पूरी दुनिया में ये वाला गांव काफी फ्लैश कर रहा था 30 सितंबर 1993 में। सारा गांव यार पूरा मलबे के नीचे चला गया था और 10,000 लोगों की मौत हो चुकी थी उसमें। ऐसा बड़ा बड़ा खड्डा जीसीबी से खोद के उसमें अंदर डालते थे, 10-10 लाख। अरे बाप, हम बोले नीचे उतरे थे, हम फंस गए थे। हाँ। मलबे में फंस गए। हेलो गाइस, मायसेल्फ राज थांबोळी एंड वेलकम टू माय चैनल हॉक ट्रैवलर। अभी अपन आ चुके हैं किल्लारी ये गांव में। किल्लारी ये गांव आज से 30 साल पहले दुनिया के मैप में यार सबसे ज़्यादा ब्लिंक कर रहा था। वो तारीख थी 30 सितंबर 1993, माने कि 30 सितंबर 1993 में। तो हाँ भाई, ये वाला विलेज वो दिन काफ़ी भयानक यहाँ पे बड़ा सा भूकंप आया था यार। तकरीबन 6.5-7 रिस्टर सेल्सियस का भूकंप यहाँ पे आया था और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। कहा जाता है कि 10,000 लोगों की मौत उस वाले भूकंप में हुई थी। तो आज के ब्लॉग में अपन यही देखने वाले हैं यार कि पुराना गांव और 30 साल के बाद, मतलब अभी 2023 चल रहा है, 30 साल के बाद ये वाला विलेज कैसे दिखता है, ये वाला गाँव कि किस तरीके से प्रगति कर चुका है, ये सब कुछ अपन देखते हैं। भैया ये वाला ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और भैया चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। तो सबसे पहले अपन अभी है यहाँ से पुराने वाले किल्लारी की ओर हम लोग जाएंगे, जो कि देखेंगे वहाँ पर क्या सिचुएशन है 30 साल के बाद में। यहाँ से हमको अंदर जाना है और यहाँ पर लिखा है नीलकंठेश्वर महाद्वार किल्लारी। भाई ये वाला मेन सर्कल है और यहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री भी है, वो वाले प्रवेश द्वार से हम लोग जाएंगे, बट इस साइड का एरिया देखते हैं यार। तो ऐसे यहाँ का एरिया सब कुछ अभी आज के प्रेजेंट में ऐसे दिखाई देता है भाई, मार्केट एरिया वगैरह बोथ साइड में यहाँ पे ऐसे पूरा ओवरऑल ऐसे मार्केट दिखाई देती है। और यहाँ पे लिखा है शेतकरी सहकारी साकर कारखाना और सामने किले नुमा बनाया और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू उसके ऊपर लगाया हुआ है। बेसिकली किल्लारी जो आता है ये औसा तालुके में डिस्ट्रिक्ट लातूर में आता है भाई। तो चलते हैं अभी ऑटो लेकर वहाँ से आगे जाते हैं। तो बेसिकली ये वाली सड़क जो है ये जाती है उमरगा की ओर और इस साइड में औसा लातूर डिस्ट्रिक्ट की ओर। तो ऐसे सीन है भाई यहाँ का सब कुछ। ये यहाँ का काफ़ी चहल पहल है यार यहाँ पे, मतलब ऐसा ये नहीं, रश वगैरह काफ़ी सारी है यहाँ पे। तो ये ऐसे सीन है भाई। चलते भाई ऑटो का सीन देखते हैं और ये वाले प्रवेश द्वार से अपन अभी जा रहे हैं, यहाँ से देखेंगे वो ओल्ड किल्लारी की ओर जाती है। भैया ये वाली जो जीप है यहाँ से जाएगी ओल्ड किल्लारी की ओर। यहाँ से आई थिंक पर पर्सन 15 रुपीज कुछ चार्ज करते हैं, तो देखते हैं भाई यहाँ से चलते हैं। भैया यहाँ पे अपन के साथ ये वाली जीप में कुछ अंकल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उनसे पूछते हैं यार 1993 में जो भूकंप हुआ था यहाँ पे उसके बारे में। तो अंकल जी मुझे एक बात बताइए, आप जब भूकंप के वक्त आप गांव में ही थे क्या? गांव में थे। अच्छा, मैं घर में थे। घर में थे। हाँ, हमारे सब पड़े घर। अच्छा, हम बोले नीचे मुतरे थे, हम फंस गए थे आप? हाँ, अरे यार देख सकते हो यार, मतलब वो सारे मलबे में फंस गए। अच्छा अच्छा, रेस्क्यू टीम आने के बाद कितने देर के बाद आई थी रेस्क्यू टीम? 2 घंटे के बाद। मतलब ये वाला भूकंप सवेरे अर्ली मॉर्निंग 3 बजे हुआ था ना? 4 बजे। 4 बजे, मतलब सुबह के 4 बजे। यार जान सकते हो यार कितनी गहरी नींद होती होगी तब, और तभी हुआ था ना। अच्छा, और कितने लोग एक्सपायर हो गए थे उसमें? 10,000 तक। अच्छा, 10,000 तक यार यहाँ पे लोगों का जान माल का नुकसान हुआ था। तो वो वाला गाँव तो टोटली अभी डिस्ट्रॉय हुआ है ना, और नया वाला उस साइड में? नया उस साइड में। अच्छा, तो नया वाला भी जाएंगे भाई। तो अभी अपन जा रहे हैं, तो अंकल जी ने तो अपन को इन्फॉर्मेशन दी थी, अंकल जी खुद विक्टम है वो वाले भूकंप के, 2 घंटों तक वो मलबे में फंसे रहे थे, है ना। आपके घर से कोई एक्सपायर हुआ था क्या? आपकी सिस्टर? अच्छा अच्छा, मतलब इनके घर से भी यार 4-5 लोग एक्सपायर हो चुके थे उस वक्त। मतलब क्या करे यार, नेचुरल कैलामिटीज इतनी बड़ी हो चुकी थी ना तब के वक्त, तो बहुत सारे लोगों के घर वर टूट गए, काफ़ी सारे लोग, मतलब 10,000 के घर में मौतें हो चुकी यार।
वहाँ तब के वक्त तो सारा पूरा गांव में लाशें लाशें ही दिखती होगी ना। हाँ वैसे ही था सब कुछ, तो ऐसे सीन था भाई। और 30 साल के बाद हम लोग जा रहे हैं एग्जैक्टली वो वाले स्पॉट को विजिट करने के लिए, तो देखते हैं क्या नज़ारा है। और यहाँ से हम लोग जैसे वो वाले प्रवेश द्वार से आते हैं तो ऐसे यहाँ का सीन है भाई सब कुछ, यहाँ की खेती हुई थी ऐसी दिखाई देती है। चलते भैया, स्टॉप आ चुका है अपन का, उतरते हैं भाई। ये वाला एरिया है, यहाँ पे ओल्ड किल्लारी गांव है, चलते हैं ठीक से देखते हैं भाई। भैया अभी अपन जो स्पॉट पे है यही पे वो वाला 6.5 रिस्टर सेल्सियस का पे महाप्रलयकारी भूकंप हुआ था यार, तो वो वाले स्पॉट पे अपन आ चुके हैं। पुराने अवशेष थोड़े ही है यहाँ पे, देखते है कुछ। एक वाटर टैंक एक है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ये यहाँ पे जैन टेम्पल एक है भाई, जो आज से 30 साल पहले यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे गांव होता था पहले पूरा। हम लोग अभी वो वाले किल्लारी वाले गांव से ही घूम रहे यार, बट यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता भाई। ये वाला जैन टेम्पल था वो वाले गांव में, तो देखते हैं टेम्पल कैसे दिखाई देता है। तो ये भूकंप में बचा हुआ यहाँ पे ऐसे टेम्पल है भाई, तो ऐसे टेम्पल था 30 साल पहले भूकंप में से ऐसे बच गया था। और उस साइड में एक प्रिमाइसेस है भैया, वहाँ पे ना यहाँ का तब का शॉपिंग सेंटर टाइप मार्केट बनाया हुआ था, ये देख सकते हो। ये वाली बिल्डिंग एक यहाँ पे रह गई है, बाकी यहाँ पे सब घर वर थे यार 30 सालों में, और सब कुछ साफ करके अब यहाँ पे ग्राउंड आगे टेम्पल वगैरह ऐसे बनाया। ये यहाँ पे सुपर मार्केट था भूकंप के वक्त, ये बिल्डिंग बच गई है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, उस भूकंप में बची हुई ये बिल्डिंग है। यहाँ का सीन भाई ऐसे है, देख सकते हो इस साइड में भी ये वाली बिल्डिंग का, वहां पे दरारें दिखाई देगी यार, वो भूकंप की वजह से गिर गया सब कुछ, ये सारी दरारें वगैरह। काफी बड़ा सा भूकंप था यार। तो अपन अभी 30 साल पहले के बिल्डिंग में है जो की आज ऐसे दिखाई देती है यहाँ पे। बाकी तो कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बचा ही नहीं यार, मतलब साफ वाफ करके सब कुछ हटा दिया है। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ यार कि यहाँ पे कितनी जान माल की नुकसान हुआ था। चलते हैं, और घर वर है उस साइड में पुराने, देखते हैं उसके और भी भाई। यहाँ पे ये वाले गांव में एक प्राचीन टेम्पल था जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये टेम्पल को कुछ हुआ नहीं यार, मतलब वो वाले महाप्रलयकारी भूकंप में भी ये टेम्पल ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ का पूरा नजारा। 30 साल पहले जब भूकंप हुआ था तब भी ये ऐसे यहाँ पे था सब कुछ, मतलब सोच सकते हो यार उस वाले बड़े से भूकंप में जहाँ पे 10,000 लोगों की मौतें होती है, बड़े टेम्पल एज इट इज ऐसे ही है। भैया अभी अपन जिस रूट से जा रहे हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि गिरी हुई है, 30 साल पहले वो यहाँ पे थी, तो यहाँ पे भी घर वर थे यार। मेरे बैक साइड जो भी एरिया दिखाई दे रहा है ये घर वर के एरिया से अपन जा रहे हैं भाई। तो ये वाले जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये पत्थर पूरे उसी घर वर के थे, मतलब यहाँ से थोड़े बहुत ऐसे डिजाइंस घर के दिखाई देगी भाई, ऐसे इस साइड में ऐसा था सब कुछ। तो उस वाले साइड में कुछ घर है, तो यहाँ पे आगे भी ऐसे घर है भाई, ये लोकल्स है यहाँ पे, ये भाई लोग मिल गए थे। तो ये यहाँ पे है ना ऐसे बिल्डिंग का नज़ारा है भाई, ये शिवजी का टेम्पल है यहाँ पे। तो इस साइड में भाई ये ऐसे घर वर थे यार ये पत्थरों के। यहाँ पे एक कुआं है, चलते देखते भाई यहाँ से। ये कुआं है भाई पुराना 30 साल पहले का, यहाँ पे ये घर वर का सीन ऐसा था भाई, ये ऐसे गिरा हुआ आप लोग देख सकते हो, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सारा भूकंप में गिर चुका है भाई यहाँ पे, और उसके अंदर के सब ऐसे फर्श वर्श ऐसे निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब मान लो ये सारा मलबा ही है यार। भैया यहाँ पे जो पत्थर वत्थर दिखाई दे रहे हैं ये वाले डिजाइंस हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सारे घर थे यार, और यहाँ पे भी इसके बैक साइड में भी अपन ने देख लिया घर था, और यहाँ पे ये भी घर वर ही थे भाई, ऐसा सीन है भाई। सारा गाँव यार पूरा मलबे के नीचे चला गया था, और 10,000 लोगों की मौत हो चुकी थी उसमें, कितना बड़ा डिजास्टर होगा यार हम लोग सोच सकते हैं। और पूरी दुनिया में ये वाला गांव काफ़ी फ्लैश कर रहा था 30th सितंबर 1993 में। तो ये ऐसे यहां का सीन था भाई, मलबे कुछ दिखाई दिए, आज से 30 साल पहले यहां का सब सीन था। भैया अभी अपन आ चुके हैं
प्रकृति उद्यान किल्लारी, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वन विभाग का उद्यान है भाई। तो यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक ओल्ड टैंक थी, वाटर टैंक, जो कि उस वक्त के वो इंसिडेंट के भूकंप वाले दिन ये थी, और ये ऐसे ही है भाई। यहाँ से देख सकते हो ये वाला टैंक, ऊपर कुछ थोड़ा बहुत टूटा सा दिखाई दे रहा है, बट अभी भी यहाँ पे टैंक एज इट इज ऐसे है भाई। और यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है, और यहाँ पे स्मृति स्तंभ बनाया है, मतलब जो जो लोग ये वाले इंसिडेंट में एक्सपायर हुए थे तो उनके याद में ये ऐसे यहाँ पे बनाया हुआ है भाई स्मृति स्तंभ। और काफी खूबसूरत सा गार्डन यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिखा भी है स्मृति स्तंभ, 30 सितंबर 1993 महाप्रलयकारी भूकंप में मृत्यु हो चुके लोगों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये मराठी में लिखा हुआ है यार, मैंने आपको हिंदी में बता दिया। तो ऐसे यहाँ का पूरा सीन है भाई। भैया अभी अपन आ चुके हैं किल्लारी गांव की, ये वाली पुरानी मस्जिद है यहाँ पे। ये मस्जिद भी उस वाले भूकंप में गिरी नहीं यार, मतलब 30 सालों से अभी ऐसे दिखाई देती है यहाँ का नज़ारा। जब भूकंप आया था तब ये मस्जिद थी, और यहाँ पे भी ऐसे सीन है भाई। यहाँ से आउटसाइड से देखेंगे हम लोग, ये ऐसे यहाँ का सीन है भाई, ये मस्जिद का 30 साल के बाद भी ये ऐसे यहाँ पे खड़ी हुई है, मतलब भूकंप में ये वाली मस्जिद गिरी नहीं यार, बट ऐसे झाड़ियां वाड़ियां सब कुछ बढ़ गई है साइड से। ऐसा पुराना सीन है भाई यहाँ का, पूरे गांव का। यहाँ पे भी घर वर हुआ करते थे, बट साफ सफाई करके यहाँ पे अब लोग खेती कर रहे हैं यार, बट रहता कोई नहीं यहाँ पे ये वाले गांव में। वो वाला नया गांव जो है, जो अब हम लोग देखने जा रहे, चलते अभी उस ओर भाई। भैया अभी अपन आ चुके हैं, ये वाला एरिया है नया किल्लारी गांव, और ये वाली मेन सड़क है किल्लारी गांव की, और ये वाली साइड में जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर महाद्वार है, और इस वाले साइड में हमको दिखाई देगा छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सर्कल का नाम भी है, और ये प्रवेश द्वार का नाम भी कुछ इस तरीके से। और इसी के इंटरनली यहाँ पे ये पूरा गांव एस्टेब्लिश किया गया है, मतलब जैसे ही बिफोर 30 ईयर यहाँ पे जब भूकंप हुआ था उसके बाद में यहाँ पे सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऐसे किया था भाई। तो ये वाले प्रवेश द्वार का नज़ारा कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और इस ओर हमको अंदर काफ़ी प्लान तरीके से ये सब कुछ गांव फिर से एस्टेब्लिश किया भाई। मतलब ऐसे इंटरनली जब हम लोग आते हैं आगे की ओर, ऐसे पूरे घर वर है, मतलब अपन ने जो अभी अभी पुराना गांव जो देखा वो गांव से ये सब कुछ यहाँ पे 30 ईयर्स पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था। तो अंदर की ओर इस ओर ऐसे दिखाई देता है, दूर तक आगे रेसिडेंशियल एरिया है, और ये वाली मेन सड़क है भाई। तो चलते हैं उस ओर का एरिया भी देखते हैं, और इसी साइड में यहाँ पे ग्राम पंचायत कार्यालय भी है, और ये प्रवेश द्वार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है भाई यहाँ पे। चलते हैं इस साइड में भी देख लेते हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत कार्यालय है किल्लारी का। ये सारा 30 ईयर्स पहले यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, पुराना वाला तो अपन ने देख लिया था भाई। तो ऐसे यहाँ पे ग्राम पंचायत कार्यालय का नज़ारा ऐसे दिखाई देता है भाई, ये वाला। तो ये ऐसे प्लान सिटी है यहाँ पे। भैया इस वाले यहाँ पे नए किल्लारी में मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए आया था, तो यहाँ पे ये जो वाले अंकल है इनका यहाँ पे होटल है, और ये खुद इन्होंने वो सारा इंसिडेंट अपने आंखों से देखा है यार। तो पूछते हैं अंकल जी से उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या उनके रिएक्शंस थे जब ये भूकंप हुआ था। तब आपकी एज कितनी थी? मेरी 20-21। हाँ, अच्छा, ये वाले रेंज में थी। हाँ, मतलब 1993 में अंकल जी की एज 21 अप्रोक्सीमेटली थी। तो तब एक्चुअली जब सब कुछ हुआ था, कितने सारे डेथ्स हुए थे? 10,000 के आसपास भाई, काफी बड़ा फिगर है यार। और आपको बता दूं पूरी दुनिया में ये वाला जो स्पॉट है पूरी दुनिया में हाईलाइटेड हुआ था, काफी देश विदेश से लोग यहाँ पे मदद पहुंचाते थे 30 साल पहले। ये तब बहुत ही बुरी हालत होगी ना, तब हाँ सब कुछ का उधर पड़े वाला था, वो माता पिता जिसके घर पे जलाने कुछ लकड़ी आया था वहाँ का सब। अच्छा, मतलब सब तरफ हर तरफ लाशें ही लाशें दिखती थी। बाप रे, बहुत ही मंजर
डरावना था, भयानक था, आज भी आपको उसकी याद आती है? याद आती ना, शुरू से स्टार्टिंग में मैं उधर ही था, वो जब भूकंप हुआ था, हाँ। वो जगह में था। अच्छा अच्छा, उधर से जब मतलब आदमी इधर रिटर्न आया। हाँ, मतलब ये सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है? देखने वाला है मैं। अच्छा अच्छा, ऐसा बड़ा बड़ा का खड्डा जीसीबी से खोद के उसमें अंदर डालते थे, बीच बार में 10-10 लाख। अरे बापरे, मतलब इतना ये हुआ था यार। सोच सकते हो काफी सारा यहाँ पे इमोशनली अगर सोचेंगे तो बहुत ही जान माल की काफी सारी नुकसान हुई है यार यहाँ पे, और इन्होंने अपने आंखों से देखा। तो ठीक है भाई, थैंक्स करते हैं अंकल जी का, हमारे लिए वक्त निकाला इन्होंने, और यहाँ पे ये नया किल्लारी गांव कुछ ऐसे अपन ने देख लिया अभी। गाइस, इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।